subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, खतरों के खिलाड़ी सीजन 11, खतरों के खिलाड़ी 11 के फैंस को इंतजार है। बहुत सारी ऐसे मनगढ़ंत खबरें भी फैल रही हैं कि खतरों के खिलाड़ी हो गया है पोस्टपोन। ऐसी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि खतरों के खिलाड़ी के सभी कंटेस्टेंट लगभग फाइनल हो चुके हैं। एक और बड़ा नाम जुड़ा है साथ में, और उसके ऊपर बात करते हैं। पहले भाई गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दे ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। धन्यवाद। तो दोस्तों, खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में हमने देखा कि बहुत सारे नाम जुड़े थे, बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया गया। रूबीना दिलायक का नाम भी आया, अभी तक लोगों को है कि आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि मैं सस्पेंस देना चाहती हूं अपने दर्शकों को। लेकिन उर्वशी ढोलकिया और वरुण सूद, अर्जुन बिजलानी, एजाज खान, ये नाम फाइनल हो चुके थे। इन नामों के ऊपर मोहर लग चुकी थी, और उसके बाद नेहा पेंडसे को भी अप्रोच किया गया है। जी हाँ दोस्तों, नेहा पेंडसे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खतरों से खेलने वाली एक्ट्रेस है, तो नेहा पेंडसे के भी आने की संभावना है। लेकिन एक और कंटेस्टेंट है जो महाभारत के कृष्णा और अशोका में जो बहुत ही बढ़िया नेगेटिव किरदार करते हुए हमको दिखाई दिए थे। जी हाँ, सौरभ राज जैन भी खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 के शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं, ये बात कंफर्म हो चुकी है। अब कृष्णा जो सही मैदान में जाके कैसे खेलेंगे खतरों से, ये हम सबको देखना होगा। तो ये नाम है जो लगभग फाइनल हो चुका है दोस्तों, जो मिड अप्रैल में जो चले जाएंगे अबू धाबी खतरों से खेलने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये जान के, कमेंट करके बताइएगा, और देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।